चौंजलिया देखम ओ चलिया चौंजलिया देखम सब दरवा दे भन्न। बाबा फरीद जी अपनी माखियों मिठी वाणी दे अंदर फुरमान कर रहे अनबी जदो मौत ने आउना है ता सारे दरवाजे भन के भी उन्हें पहुंच जाना है। ऐ मनुख तू इस गल तो क्यों अचेत है, क्यों नहीं इसनू प्रवान कर लेंदा भई सब ना सौरे वंजना सब मुकलावन हार। जिनानू मौत चेते है जितानू अपना अंत चेते है उनानू बेअंत अकाल पुरखा भी चेते आ जाऊं। जिसनू काल याद है उसनू अकाल पुरखा भी याद आ जाऊंदा है। प्यारी साथ संगत जी इसलिए बाबा फरीद जी फरमान कर रहे हन भी वेखो बंदा चलिया चौ जनिया दे कन फरीदा अमल जे कीते दुनी विच डर गए आए कम। किसे पिंड दे विच बहुत वड़ी उम्र दा बजुर्ग शरीर त्यागन लगा ता सारा पिंड आके कोल खलो गया। बरादरी वाले भाईचारा हाथ जोड़ के कहन लगे बुजुर्गो बड़ी वड़ी उम्र भुगत के जा रहे हो संसार तो जिंदगी दे बहुत उतार चढ़ाव तुसी वेखे ने सानू कोई सुमति दे के जाओ अपने जीवन चो कोई अनुभव दे के जाओ। ता उस बुजुर्ग ने बड़े प्यार नाल सारे वल वेखिया ते कहन लगा मित्रो तुहानू एक नहीं अनेकां सुमतियां दे के जावांगा बहुत कुछ दस के जावांगा जे मेरा एक काम तुसी कर दी एक काम। सारियां ने आख्या जी दसो केड़ा काम। बजुर्ग कहन लगा मेरे कोल हुण सुआस बड़े थोड़े बचे हन तुहाडे विचों दो चार सज्जन बाजार जाओ ते कुछ स्वास खरीद के मेनू लिया दो मैं तुहानू बड़ा कुछ दस के जावांगा। सारे पिंड वालियां ने नीवी पाली आख्या बाबा ए स्वास ता किसे भी कीमत ते कदे नहीं मिलदी ए ता जितने निरंकार ने दिते हन ना कोई घटा सकदा है ना कोई वधा सकदा है। जोर न जीवन मरन न जोर ता निरंकार भेजदा ता मनुख आउंदा है और सददा ता जाउंदा है। कले आवे नानका सदे उठी जाए ता उस बुजुर्ग ने आख्या परावो फिर सब तो वड़ी सुमति जीवन दा सब तो वड़ा तजुर्बा तानू दस के जाउंदा भी हीरिया लाला तो भी वद कीमती हन ए स्वास। इना स्वासा नू रोलो ना इना स्वासा नू सफले करो जदो भी निरंकार चेते आवे ता प्यार नाल जपिया करो भई सतनाम श्री वाहेगुरु। इसलिए प्यारी सात संगत जी बाणी पुकार पुकार के कह रही है भी वेखो फलाना चले गया ओ चले गया असी कितनिया नू जाउंदिया वेखदे हां। चार जने अपने कंधे ते ले जा रहे होंदे हन पर उन्हां दा साथ भी शमशान।